हेलो दोस्तों, ये देखिए 20 HP टेक्समो टेरो का ये वर्टिकल पंप आया था। इसका हमने अनलोडिंग का शॉट डाला था और ये देखिए इसकी वाइंडिंग बस्ट हो गई थी, तो ये वाइंडिंग अभी यहाँ लड़का कटिंग कर रहा है, ये देखिए आप। और इसमें 14, 16, 18 के पीछे हैं और ये सिंगल शाफ्ट में है। इसका पंप पूरा सिंगल शाफ्ट में है और ये पंप पहले पूरा खोलने के बाद ही ये मोटर डिसमेंटल होता है। ये देखिए कितना भयंकर स्लोड में भी जला है। तो हमने ये जुगाड़ बना रखा है, इससे स्लोड में जो कॉइल चिपक जाती है वो इससे निकाल लेते हैं। ये देखिए एक साइड कटर से काट के, कटर भी बड़ा है ये देखिए, ताकि टाइम बचता है। ये देखिए इस प्रकार से ये कटिंग कर रहा है लड़का। उसके बाद इसको हम वाइंडिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा फर्मा है और एक साथ हम दोनों सेट बना रहे हैं ताकि जम्पर नहीं लगाना पड़े। ये देखिए पूरा सेट बन गया, 6 कोयलों का सेट है, 2 सेट हो गई है ताकि आपको जम्पर नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए अभी हमने वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है और ये देखिए एक सेट डाल दिया है। इसमें पिच है 14, 16, 18 और गेज है 1.6 और ये इसमें टर्न्स है 15 और इसकी कोर लेंथ है 240 mm। ये देखिए आप, ये दूसरा सेट भी डाल दिया है। इसी प्रकार हम सेट डालते रहते हैं। और हमारे कमेंट्स मिला था कि यार आप जॉइंट का पूरा भी ब्लॉक बनाइए, तो वो भी हम ब्लॉक बनाएंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करिएगा ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। और कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम दीपावली के बाद सबकी डिमांड पूरी करेंगे। और ये देखिए अब ये इस प्रकार से हम सेट डालते हैं और इसको हमने ही रिवाइंड किया है। और हम हमारा पूरा वीडियो लेते हैं तो फिर ये वाइंडिंग का सही नहीं आता है, इसलिए हमने नहीं लिया है। ये देखिए अब ये लास्ट कॉइल बाकी है और उसके बाद इसका जॉइंट देखिएगा आप, हम किस प्रकार से जॉइंट करते हैं। और एक कमेंट्स भी आया था कि यार कनेक्शन साइड से वीडियो बनाइए, तो ये थोड़ा सा हमारा वर्कशॉप का डायरेक्शन है, जो रोशनी आती है इसलिए वो कनेक्शन साइड से इधर फोक्स पड़ता है, इसलिए वीडियो अच्छे नहीं बनते हैं। ये देखिए ये एक छोड़ के एक ये स्टार बनेगा। ये हमने इसमें स्लीव भी डाल रखी है, देखो RYB की स्लीव डाल रखी है, प्लास्टिक की स्लीव आती है ये देखिए। तो इसमें ये है कि हमने एक केबल ज्वाइंट कर दिया है, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेड से रेड, वाई से वाई और ब्लू से ब्लू भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए पहले हमने इसमें पाइप साइज लग क्लेम किया है और उसके बाद इसमें हमने 2 बार PVC टेप किया है। उसके बाद देखिए ये लग 2.5 स्क्वायर mm का था, तो हमने खाली लग पे भी कच्चा रबड़ किया है, उसके बाद फिर वापस पूरा कच्चा रबड़ किया है, उसके बाद वापस 2 बार PVC टेप करी है। और उसके बाद हम देखिए ये केबल जॉइंट पूरा कंप्लीट करने के बाद ये हमने इसको कंप्लीट बंधाई कर दिया है। ये देखिए हमारी फिनिशिंग। और इसके बाद ये देखिए मोटर फिट करने के बाद ये देखिए पंप, सिंगल शाफ्ट में ये पंप और मोटर है, इसलिए अब ये पंप फिटिंग कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद देखिए इसकी ये नो लोड ट्रायल ले रहे हैं और ये देखिए इसके नो लोड एम्पियर, ये देखिए आप इसके नो लोड एम्पियर।